तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में 30,000-50,000 लोग काम कर सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने और जलेबी को विदेशों तक पहुंचाने की बात अपने भाषण में क्या कही, गोहाना के माथुराम की तो निकल पड़ी भैया, क्योंकि अभी तक उनकी जिस जलेबी के चर्चे सोनीपत में होते थे, अब वही चर्चे देश विदेश में होने लगे हैं। चुनाव से पहले भले ही राहुल गांधी ने फैक्ट्री में जलेबी बना दी हो, लेकिन तमाम सियासी दलों से लेकर गोहाना की आम जनता तक उन्हें समझा रही है कि भैया जलेबी फैक्ट्री में नहीं बल्कि हलवाई की दुकान पर हाथ से ही बनाई जाती है और हाथ से बनी जलेबी का स्वाद ही अलग होता है। लेकिन राहुल बाबा को कौन समझाए, उनके इस बयान ने हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया तो डुबोई ही, पर इसके साथ ही लोगों को उनके ऊपर हंसने का मौका भी दे दिया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा से सियासी गलियारों में जितना जिक्र विधानसभा चुनाव को लेकर रहा, उससे कई ज्यादा गोहाना की जलेबियों को लेकर होता रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ने गोहाना की जलेबी को लेकर खूब चर्चा की और सियासत में जलेबी की मिठास बनाए रखी। दरअसल पिछले दिनों गोहाना में राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान माथुराम की जलेबी का डिब्बा हाथ में लेकर बड़ा सियासी खेल करने की कोशिश की और उसी खेल में वो खुद ही फंस कर रह गए। राहुल गांधी ने दरअसल हरियाणा के लोगों को लुभाने के लिए कहा कि गोहाना की जलेबी विदेशों तक जानी चाहिए। उन्होंने गोहाना की जलेबी बनाने वाले माथुराम की दुकान को फैक्ट्री की संज्ञा दी और बस तभी से सियासत के केंद्र में आ गए वो और हंसी का पात्र भी बन गए। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है, एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृती फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है, परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। हालांकि जलेबी बनाने वाले माथुराम हलवाई के पोते ने कहा है कि जलेबी को हाथ से ही बनाया जा सकता है, हाथ की जलेबी का स्वाद अलग ही होता है। फैक्ट्री में तो मिठाई है, जैसे हल्दीराम है, बीकानो है, ये भी तो फैक्ट्री ही है, इनका अपने कारखाने होते बड़े बड़े, तो टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बात राहुल जी की बात सच भी हो जाए, जलेबी तो हाथ से ही बनेगी जी, मशीनी जलेबी कामयाब नहीं होगी। और फिर लेबर हमारे हलवाइयों को भी तो काम चाहिए ना, अगर मशीन आ गई तो हलवाई हमारे क्या करेंगे। तो सुना आपने, दुकानदार खुद ही कह रहे हैं कि राहुल भैया जलेबियां फैक्ट्रिया में नहीं बल्कि दुकान में बनत है। उसी तरह से सोनीपत के लोग भी माथुराम की जलेबी खा रहे हैं और भाजपा के गुण गा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर लगातार मजाक भी बना रहे हैं। राहुल गांधी गोहाना में आए थे, कह रहे थे कि इसकी फैक्ट्री लगानी चाहिए, जलेबी की फैक्ट्री लगती है? नहीं लगती, फैक्ट्री के लगती इसकी। कैसी है यहाँ की जलेबी आप खा रहे हो? बहुत बढ़िया। कितने सालों से आ रहे हो आप? मैं तो कह मेरा 50 साल से आ रहे हो यहाँ। घनी बड़ी बात ना कहूँ तो एक कहावत तो आया करती है, बंदर का जड़ा अदरक का स्वाद। राहुल गांधी ने शायद जलेबी खाई ही नहीं है, उसने सुन सुन के बोल दिया। अगर उसने खाई होती, बनती देखी होती, तो बिल्कुल नहीं बोलते कि भाई एक फैक्ट्री लगेगी जलेबी की और ये अमेरिका तक जाएगी, यूरोप तक जाएगी, पूरी इंडिया में जाएगी। दूध दही का खाना जब खेत में पसीना पाओगे, मीठे ने जीत करेगा भाई। न्यू कह दे बोला फैक्ट्री में पाओगी, खेत में पाओगी ना, तो खेत में पाई जलेबी ना, फैक्ट्री में पाई भाई। धान बेचना आ रहे थे हम, अल्लाह माथुराम की दुकान पर आकर पाई भाई। जब हमारा दिल ये कहता भाई भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, पति हूँ पसीने ला दिए भाई, वो बोला कांग्रेस आओगी, कांग्रेस क्यों आओगी जब हमने वोट बीजेपी को डाल रखे थे। दोस्तों, हरियाणा में जहाँ सियासत की जलेबी खाकर कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, तो जनता ने भी उसे जलेबी जैसी गोल गोल पटकनी देकर एक तरफ बिठा दिया है। राहुल गांधी ने सोनीपत के मंच से कहा कि मैंने अपनी बहन के लिए जलेबी भेजी है,
उनकी ये अदा देश की जनता को इतनी पसंद आई कि उनके तरह तरह के मीम्स वायरल होने लगे। किसी मीम में वो हलवाई की दुकान पर बैठे जलेबी बना रहे हैं, तो किसी में खेतों में जलेबी की खेती कर रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पर तो ट्रोल करने वालों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन चुनाव जीतने के बाद खुद भाजपा ने व्यंग कसते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें जीत की खुशी में राहुल गांधी के घर पर जलेबी भेजने की बात कही। हालांकि मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सबसे पहले जलेबी के साथ जश्न शुरू किया गया था, लेकिन शाम होने तक वही जलेबी बीजेपी की मिठास बढ़ाती हुई नजर आई और तीसरी बार सरकार बना गई। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। We'll be right back.